हेलो स्टूडेंट्स, बायोरत्नास में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्ना सिन्हा और आज आई हूं आपके लिए एक वीडियो लेके जिसका नाम है फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड जो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th वुमेन एंड स्पोर्ट्स के अंदर एक टॉपिक आता है। इसके अंदर के कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर दूसरा जो है एम्यूरिया ये क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। ईटिंग डिसऑर्डर अगेन क्लास 11th के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये आता है। दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये कुछ टॉपिक हैं जो सिमिलर है। तो चलिए हम समझते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये फीमेल एथलीट ट्रायड जो है ये एक सिंड्रोम है एंड इट इंक्लूड्स ऑस्टियोपोरोसिस, एम्यूरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सबसे पहले इसको समझने के लिए सिंड्रोम वर्ड को हम जान लेंगे कि अगर कोई सिम्टम जो है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक हो जाता है तो हम उसे कहते हैं सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो है ये सिंड्रोम है। अब ये जो है इट इज़ ट्रायड। ट्रायड का मतलब है यहाँ पे ट्रायम्वरेट चीज़ देखी जा रही है। तीन तीन डिजीज़ जो है वो इकट्ठे अकर कर रहा है। अब ये है एक सीरियस डिसऑर्डर या इलनेस। ये सीरियस जो डिसऑर्डर है और इलनेस जो है ये संभव ऐसा है कि ये फैटल भी हो सकता है। फैटल मतलब मृत्यु दर तक पहुंचा सकता है किसी व्यक्ति को। अब ये जो तीनों है इंटर रिलेटेड है। अगर कोई वुमेन एथलीट किसी भी एक कंडीशन से सफ़र कर रही है तो संभावना है कि उसे बाकी दो बीमारी भी हो सकती है। जैसे अगर कोई वुमेन ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रही है तो एम्यूरिया ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर वो एम्यूरिया से सफ़र कर रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और यदि ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की भी संभावना होती है। अब यहाँ पर जो है तीन तरह का है। वैसे तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल है ये भी बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ये जो स्पोर्ट्स करते हैं उन वो वुमेन जो है यहाँ पर या पर्सन है वो पूरा का पूरा डिप्रेशन से फ्री रहते हैं। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में बहुत इंटेंसिवली अगर वुमेन इन्वॉल्व्ड है तो उसे एथलीट ट्रायड हो जाता है। ये ट्रायड का मतलब है तीन बीमारी हो गई या तीन में से कोई एक हो गया या दो हो गया। अब ऐसे में वुमेन जो है उसका पोजीशन क्या होगा, इसके सिम्टम ये होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, दैट इज़ दे गेट फटीग और फ्रीक्वेंट इंजरीज हो जाती हैं। इंजरीज कब होंगी, जब वो खेल कूद कर रही है तो इसको जख्म होने का, इंजरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लॉस ऑफ एंड्यूरेंस हो जाता है। लॉस ऑफ एंड्यूरेंस का मतलब है कि थक जाने के बाद भी ये खिलाड़ी खेलते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा होने पर संभावना ऐसी होती है कि वो नहीं खेल पाएगी और पावर कम हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है नेचर। और जो जख्म है वो भरने में, मान लीजिए खेलते वक्त अगर इन्हें चोट लगी, कोई इंजरी हो गई तो इनका जख्म भरने में प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पे फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये अपने आप को लो स्टैंडर्ड के फील करते हैं, यानी लो एस्टीम्ड है, और सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हो जाता है। तो ये जो है ये इसके सिम्टम हैं। आइए अब हम बारी बारी से हर डिजीज़ को समझेंगे। और जो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि इस वुमेन की बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। डेंसिटी डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है, तो ये जो है डेंसिटी डिक्रीज़ होने का ये मतलब है कि बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स घट रहा है। मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो कैल्शियम जो है वो बोन से डिसॉल्व होकर के ब्लड में आ जाता है और ब्लड से ये यूरिनल पाथवे से बॉडी से एग्जिट हो जाता है। यानी कि इसमें जो पर्सन है, जो विमेन है, उसके बॉडी में कैल्शियम घट जाती है। तो ऐसा होने पर बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में इस पर्सन को, यानी इस वुमेन को विटामिन डी जो है वो देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और विटामिंस पे हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर अगर मान
लीजिए कि कैल्शियम का डाइटरी इंटेक कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन्स जो हैं प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाएंगे। कई बार देखा जाता है कि हार्मोन इंबैलेंस, यानी कि हार्मोन इंबैलेंस का मतलब है फीमेल की जो ओवरी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन जो है बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करके रखती है। अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट हुई तो बॉडी में कैल्शियम कम टिकेगा, यानी बोन्स में कैल्शियम कम रहेंगे और बोन्स जो हैं वो मैट्रिक्स जो है बोन का वो वीक हो जाएगा, वीक हो जाने से प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये सारे जो कॉज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज एमन्योरिया। एमन्योरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये वुमेन्स में रुक जाता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन है यानी कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, और टाइप्स ऑफ एमन्योरिया है ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एमन्योरिया का मतलब होता है कि अगर वुमन जो है वो प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है और प्यूबर्टी अटेन करने के बावजूद अगर उसको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बिगिन हुआ है तो ये कहलाता है प्राइमरी एमन्योरिया, यानी कि मेनार्क जो हो जाता है डिलेड हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है टाइम पर नहीं शुरू और डिले पे डिले होते जा रहा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी मेंस्ट्रुएशन एंड प्राइमरी एमन्योरिया। एंड अनदर वन इज सेकेंडरी एमन्योरिया। सेकेंडरी एमन्योरिया में ऐसा है वुमन जो है जिनके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं लेकिन अचानक से मेंस्ट्रुएशन जो है वो सीज हो गया, 3 मंथ और मोर से अगर ज़्यादा सीज होने लगता है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमन्योरिया। अब एमन्योरिया अगर हो जाता है किसी वुमन को तो वहां पर भी बहुत से प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब यहां पर एमन्योरिया जो है वो होता किस वजह से है, तो बताया जाता है सबसे पहले कि ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। हार्मोनल चेंज, अगर मान लीजिए कि ओवरी है जो ओवरी अपनी हार्मोन प्रॉपरली नहीं रिलीज कर रही है, जो हार्मोन्स गोनाड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं वो अगर नहीं रिलीज हो रहे हैं तो ओवरी है वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती है, ओविलेशन नहीं होता है, ओविलेशन नहीं होने के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज हो जाती है, डिसरप्ट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे अगेन दिस इज एमन्योरिया। एमन्योरिया के और भी कॉज हैं जैसे इंटेंसिव एक्सरसाइज। अगर वुमन है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, रनर है, स्विमर है, जिमनास्ट है, एंड जितना पोटेंशियल है उससे ज़्यादा ही एक्सरसाइज अगर वो वुमन कर रही है तो पता चला कि ये जो फैक्टर है ये भी मेंस्ट्रुएशन के सेसेशन का कॉज हो सकता है। हो सकता है ये प्राइमरी एमन्योरिया कर दे या सेकेंडरी एमन्योरिया कर दे। एक और रीज़न है इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज। वुमन जो है अगर अपना प्रॉपर डाइट नहीं कंज्यूम कर रही है, कैलोरीज उसके बॉडी में इनसफिशियंट है, अगर कैलोरीज इनसफिशियंट है तो ओवरी जो है अपना ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस लूज हो जाएगा और बैलेंस के लूज होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अगेन सीज हो जाएगा, और इसमें भी सिम्टम अगेन वीकनेस, फटीग, इरिटेबिलिटी, ऐसे ऐसे सिम्टम्स जो हैं अकर करते हैं। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये हो गया मोस्ट ऑफ द फीमेल लूज बॉडी वेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। हम दोनों को समझेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे एबनॉर्मल लो वेट हो जाता है, अब उसको क्या लगता है, डर लगा रहता है उस खिलाड़ी को, फीमेल खिलाड़ी को, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है, तो हमेशा वेट कंट्रोल करने के चक्कर में रहती है और वेट कंट्रोल करने के चक्कर में फूड को वो रिस्ट्रिक्ट करती है और कैलोरीज को कंट्रोल करती है, और मिरर के आगे उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बहुत ओबेस हो रही है, और इस चक्कर में वो पूरा का पूरा डाइट को इम्बैलेंस कर देती है और नहीं कंज्यूम करती है, इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये थोड़ा सा नर्वस डिसऑर्डर है। एंड नेक्स्ट आता है बुलिमिया नर्वोसा, उसके देखिए क्या कैरेक्टर्स हैं। इसमें ईटिंग टू मच इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ये खा लेते हैं और उसके बाद उन्हें पछतावा होता है, तो ये वॉमिट करते हैं ताकि उनका वेट न बढ़े, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके बाद वॉमिट करना शुरू कर देते हैं और वेट लॉस का ये पूरा एफर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये तरल पदार्थ लेते हैं, दैट इज़ डायूरेटिक। लेक्सेटिव भी लेते हैं, लेक्सेटिव का मतलब है कि जो भी इनके बॉडी में सॉलिड फूड प्रोडक्ट है उसका वेस्ट जो है वो बॉडी से तुरंत एलिमिनेट हो जाए ताकि वो न्यूट्रिएंट जो है अब्सॉर्ब ना हो पाए, और बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज भी करते हैं। ऐसा होने पर एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है,
जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और पर्सन सेल्फ हार्म कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें।